नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। राम जन्मभूमि के आधारशिला की काउंटडाउन शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ ने जहां आज अयोध्या का दौरा किया, वहीं 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अब गेस्ट के नामों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। जहां तक ये कहा जा रहा है कि 200 लगभग गेस्ट इस आयोजन में शामिल होंगे, लेकिन वहीं आजम खान ने कहा है कि अगर उन्हें इस आयोजन में नहीं बुलाया गया तो वो प्राण त्याग देंगे, यानी कि जल समाधि ले लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये समाजवादी पार्टी वाले आजम खान हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ये मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान हैं। इन्होंने भी अयोध्या का दौरा किया और ये कहा कि अगर मुझे राम जन्मभूमि की आधारशिला के मौके पर बुलाया नहीं गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा। प्रतिज्ञा यह है कि स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 5 अगस्त 2020 को यहाँ पर शिला पूजन और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, रखा गया है, और श्री राम मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत होगी, उस शुरुआत में हमको आमंत्रित अगर नहीं किया गया तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि ये राम भक्त श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की तरह से जल समाधि ले लेंगे और अपने जीवन को त्याग देंगे। जीने से बेहतर है मर जाना अगर इस पूजन में हम शामिल नहीं हुए। मेरा ये मानना है कि अगर मैं पूजन में शामिल नहीं हुआ तो ये पूजा अधूरी है, ये शिला पूजन अधूरी है, ये सारा कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि देश के एक वर्ग को नज़रअंदाज किया जा रहा है जो कि अच्छा नहीं लगता है। और ये बड़े गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम में आ रहे हैं और हम जैसे लोग इस कार्यक्रम में राम भक्त लोग ना आवें तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, मेरा मानना है। हालांकि हमें खुशी भी है कि आज पूरे हिंदुस्तान ने बल्कि पूरे विश्व के सनातनियों का सपना पूरा होने जा रहा है। 5 अगस्त को जिसका सपना सबने देखा था उसके लिए मैं सबको बधाई भी देता हूँ। तो राम के लिए जान दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। राम के लिए जब इतना बड़ा आंदोलन किया गया, जहाँ जहाँ खतरा रहा, अब तक तो मैं कब्तान मार दिया गया होता। मैं कितना खतरों से, कितना मेरे पर हमला हुआ, कई बार हम पर हमला हुआ, हम बच गए, राम की वजह से बचे, उन्हीं का आशीर्वाद था कि हम बचे। और आज उसी राम के ने हमको इसीलिए बचाया था कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं। आज मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा ना बन करके मैं अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो मेरे साथ होगा अगर 5 को नहीं बुलाया गया तो यह अन्याय होगा। मैं न्याय के लिए यहाँ पर आया हूँ कि ये मेरे साथ इंसाफ करें और इस कार्यक्रम में मुझे ज़रूर बनाएं और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। आपको बता दें कि 5 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँचेंगे, उसके बाद एक खास मुहूर्त पर राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके पर आ सकते हैं। वहीं अब गेस्ट के नामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि आखिर वो 200 लोग कौन होंगे जो इस मौके पर वहां मौजूद रहेंगे। हालांकि इसे लेकर पीएमओ की तरफ से या मंदिर की समिति की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है कि ये 200 लोग कौन है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है, आज जब योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायज़ा लिया तो ये ज़रूर कहा गया कि जो भी लोग अयोध्या आएं तो इस मौके को जरूर ऐतिहासिक बनाएं।